जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे BSc एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर हुआ था वो सॉल्व हो चुका है। लगभग 3-4 घंटे लग गए सॉल्व करते हुए। हाँ दोस्तों, आप लोग भी मिला लीजिए अपना पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है दिया है, देखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है जल्दी जल्दी कराते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है बी है, कौन सा होगा? बी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभी तक नहीं मिला है, पर हमारे हिसाब से इसमें जो आपका राइट आंसर है बी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चौथा देख लीजिए, चौथे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 5 देख लीजिए। हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, मैं नहीं का शेयर करने को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें इस चैनल से आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया है 5, क्वेश्चन संख्या 5, 5 का जो राइट आंसर है देख लीजिए, 5 का जो राइट आंसर दिया है सी, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 5 का। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, जल्दी जल्दी कराते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 0 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, क्वेश्चन संख्या 7 है, 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1/0, फिर होगा 0, यानी जो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, क्वेश्चन संख्या 8, जो 8 का जो राइट आंसर दिया है बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, आपके जो दोस्त हैं वो भी मिला सकें क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन संख्या देखिए 10 है, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2×2, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखिए अगला 11, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 दिया, क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, क्वेश्चन संख्या 12 है, जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 12 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा 1×3। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 13 का राइट आंसर सी, यानी 0/0। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, क्वेश्चन संख्या 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, क्वेश्चन संख्या 16 का जो राइट आंसर अभी तक किसी बुक में नहीं मिला है, इसका आंसर भी नहीं सही हो सकता है, हो पा रहा है, तो हमारे हिसाब से इसमें जो राइट आंसर है ए होगा 90% तक। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2/2। क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, क्वेश्चन संख्या 21 देखिए, सॉरी क्वेश्चन संख्या 20 हो गया था, 20 नहीं हुआ था, क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए एक बार, 20 छूट गया आपका, जल्दी जल्दी करा रहे हैं, टाइम नहीं है क्योंकि। क्वेश्चन संख्या देखिए 20 है, 20 का जो राइट आंसर है डी, यानी डी हो जाएगा, 20 का जो राइट आंसर है डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए, बहुत ही सही का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थे जो पेपर है बहुत ही हार्ड आया था हमारे हिसाब से, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया इसको,
बहुत हार्ड पेपर था, इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगी। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए, 21 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, यानी 8 आपका 21 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 22 देखिए, क्वेश्चन संख्या 22 देखिए, 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी माइनस 30। क्वेश्चन संख्या 23 देखिए, क्वेश्चन संख्या 23 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 23 यहाँ पे जो दिया है शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 में भी शून्य हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, क्वेश्चन संख्या 25 इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी। क्वेश्चन संख्या देखिए, क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, क्वेश्चन संख्या 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए, 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी माइनस वन आपका राइट आंसर माइनस वन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 28 देखिए, क्वेश्चन संख्या 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये, और जो 29 का क्वेश्चन संख्या दिया है इसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन संख्या 30, क्वेश्चन संख्या जो 30 है इसका भी आंसर जहां तक नहीं मिला है, पर इसका 100% 99% ए कामा बी वाला सही हो सकता है, यानी सी ऑप्शन सही हो सकता है इसका। क्वेश्चन संख्या देखिए 31, क्वेश्चन संख्या देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ए वाला 31 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, 32 का जो क्वेश्चन है सही कर लीजिए, नान आप दी जिनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स और फिर इसके बाद